Hello students, myself Lekh Narwal. Today in this video we will discussing about the nutrition in human being. अब हम ये जानेंगे कि कैसे जो है न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बींग के द्वारा जो है ली जाती है. अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये है हमारा टॉपिक आज का, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग. अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं. दो तीन लाइनें दे रखी हैं इन्होंने. द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस. अब ये जो है हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल एक जो है लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक्सटेंड होती है माउथ से लेके एनस तक. तो माउथ से लेके जो है एनस तक की जो ट्यूब है उसको जो है क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल नाम दिया गया है. इन फिगर 6.6 वी सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. तो 6.6 फिगर के अंदर आगे दिखा रखा है कि इस ट्यूब के अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं. ट्यूब मीन्स एलिमेंट्री कैनाल. तो इस एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. और ये जो रीजन है, अलग अलग जो रीजन है, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर अवर बॉडी. अब ये बात की गई है कि फूड को क्या होता है जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो क्या उसकी प्रोसेस रहती है. तो ये सारी प्रोसेस जो चलती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी. वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर. तो ये सारी प्रोसेस जो अब हम डिटेल में करेंगे इसके अंदर. अब ये कैसे काम होता करती है, और उससे पहले हमें ये जो है इसकी डायग्राम जो है पता होनी चाहिए कि किस चीज़ के बारे में, कौन से पार्ट के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं. ये है इसकी डायग्राम जो अभी ये हमारे सामने है, 6.6 फिगर ये दे रखी है. अब इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ से हम अगर माउथ से लेके जो है नीचे तक का पार्ट, ये जो है मैं एरो से शो कर रहा हूँ, नीचे तक जो है ये एरो से शो किया जा रहा है. तो ये जितना भी पार्ट है स्टोमक से लेके जो है ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन हमारा. तो ये जितना भी पार्ट है, और ये एनस तक ये आ गया लास्ट एनस. तो ये जितना भी पार्ट है ये एक लॉन्ग ट्यूब है, और उसी लॉन्ग ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल होता है. तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है अगर हमें अंडरस्टैंड करनी है. तो माउथ से लेके जो है एनस तक जो लॉन्ग ट्यूब है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एंड ऑफ द एनस. तो इसको जो है एलिमेंट्री कैनाल बोला जाएगा. अब जो है स्टार्ट करते हैं. तो ये माउथ वाला पार्ट है, इसको बक्कल कैविटी भी बोला जाता है. तो यहाँ पर ये माउथ वाला पार्ट इसका शो कर रखा है. इसमें टंग भी होती है माउथ में हमारे, ठीक है. अब इससे इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो लाइनिंग है. अब इसमें जो है ये आ गया फर्स्ट पार्ट हमारा जो है माउथ, ठीक है. माउथ के बाद जो ये ट्यूब एक्सटेंड करती है, माउथ के साथ जुड़ी होती है, और ये जो है नीचे की तरफ को एक लॉन्ग ट्यूब बनी होती है, इसको ओसोफेगस बोला जाता है. तो ये ओसोफेगस कनेक्ट करती है माउथ को जो है किसके साथ, स्टोमेक के साथ. तो माउथ और जो स्टोमेक है जो ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है, उसको ओसोफेगस बोला जाता है. इसी ट्यूब के थ्रू जो है फूड हमारा स्टोमेक तक पहुंचता है. मुंह से लेके जो है स्टोमेक तक, पेट तक जो फूड जाएगा हमारा, वो इस ओसोफेगस के द्वारा जाएगा. इसको जो है फूड पाइप भी बोला जाता है. तो ये जो है जो ओसोफेगस है, इसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है. तो ये फूड पाइप भी होती है हमारी, कई जगह फूड पाइप भी लिखा गया होता है इसको. अब इसमें जो है आगे इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं. तो ये जो है ओसोफेगस आ गया हमारा यहाँ से, और स्टोमेक के साथ कनेक्ट हो गया. तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, माउथ और स्टोमेक को. फिर नीचे स्टोमेक आ गया, इसके अंदर हमारा फूड जो है फर्दर जो है फूड की डाइजेशन होती है स्टोमेक के अंदर, और फिर जो है स्टोमेक से फिर ये जाएगा हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन को शो कर रखा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, एरो के थ्रू दिखा रखा है, मैंने भी एरो लगा दी है. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देख सकते हैं कि कॉइल्ड हो रखी है ट्यूब बहुत ज़्यादा. तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉइलिंग इसकी हो रखी होती है ट्यूब की, उसमें जो है हमारा फूड जो है प्रोसेस होता है, और इसकी फूड की ऑब्जर्वेशन भी की जाती है. अब उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन वाली ट्यूब है, इसके अंदर एंटर करता है हमारा फूड, और ये लार्ज इंटेस्टाइन वाली ट्यूब को शो कर रखा है. और ये लार्ज इंटेस्टाइन फिर जो है इसमें एंडिंग होता है एनस के पास इसका, तो यहाँ पर इसकी एंडिंग होती है. इस तरीके से ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है ह्यूमन बींग के अंदर काम करता है, और इसी के अंदर ही जो फूड की सारी प्रोसेसिंग होती है, और कंप्लीट डाइजेशन जो है इन पार्ट्स के थ्रू जो है होती है. अब हम जो है कंटिन्यू करते हैं आगे अपना टॉपिक. अब इसमें सबसे पहले जो है एक्टिविटी 6.3 बताई गई है.
तो इस 6.3 से पहले हमने पूरा जो है डायग्राम देख लिया, एलिमेंट्री कैनाल समझ लिया है हमने। अब इसमें एक्टिविटी 6.3 कर लेते हैं। टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 test tube। तो 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेना है, 1 ml 2 test tube के अंदर ए और वी उनको हमने मार्क कर देना है। एड 1 ml सलाइवा टू दी टेस्ट ट्यूब ए। अब जो बात की गई कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर हमने 1 ml सलाइवा को जो है ऐड कर लेना है। एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 minutes। और दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने 20 से 30 मिनट तक जो है अनडिस्टर्ब रख लेना है। तो 2 test tube ले ली हमने, एक में हमने सलाइवा ऐड कर देना है, दोनों के अंदर हमने जो है स्टार्च ऐड किया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ST करके, दोनों में स्टार्च ऐड किया। फिर हमने क्या करना है, जो दोनों में स्टार्च ऐड कर दिया, जो हमारे पास ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने जो है, मान लो ए हमने ए रख दिया, ए बी वाली है, तो हमने ए वाली में क्या कर देना है, सलाइवा ऐड कर देना है, थोड़ा सा सलाइवा। सलाइवा सभी समझते हैं, जो थूक होता है उसको सलाइवा बोला है, तो सलाइवा हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है उसके अंदर। फिर उसके बाद जो है बोला गया, नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू दी टेस्ट ट्यूब। तो इनको 20 से 30 मिनट तक हमने रखा, एक के अंदर सलाइवा डाल दिया और दूसरी के अंदर नहीं डाला, उनको 20 से 30 मिनट तक रखा हमने। फिर उसके बाद ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, तो उसके अंदर फिर कुछ ड्रॉप्स हमने आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देनी है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। फिर जो है चेक करना है आयोडीन टच के लिए, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। अब जो है कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपको जो है कलर चेंज देखने को मिलेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द स्टार्च इन द 2 test tube। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में किस में हमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, किस में नहीं होगा, ये इससे हमें क्या पता चलता है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ द सलाइवा, और सलाइवा के एक्शन के बारे में हमें क्या पता चलता है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इस एक्टिविटी का। हमने 2 test tube ली, एक में सलाइवा, दोनों के अंदर स्टार्च डाला 1 ml, और फिर ए वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने सलाइवा डाला, बी वाली में नहीं डाला हमने, उसमें सिंगल स्टार्च ही है। उसके बाद हमने उसमें जो है आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन दोनों में डाली हमने कुछ ड्रॉप्स, और उसके बाद उनको जो है चेक किया किस में कलर चेंज होगा और किस में नहीं। जिसमें जो है हमने सिर्फ जो है स्टार्च ही डाला हुआ है और जिसमें सलाइवा नहीं डाला है, बी वाली टेस्ट ट्यूब हमारी थी, तो उसमें हमने सिर्फ जो है क्या डाला हुआ है, स्टार्च ही डाला हुआ है और उसमें सलाइवा नहीं डाला है, तो बी वाली में जो है कलर चेंज हो जाएगा। जो आयोडीन का कलर है वो पर्पल कलर का शो होगा या जो है लाइट ब्लैक कलर का ही होता है, चेंज होता है, तो पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा, तो इट मींस कि उसमें जो है स्टार्च प्रेजेंट है। जबकि जो टेस्ट ट्यूब ए है तो उसमें जो है हमने सलाइवा डाला हुआ था, तो सलाइवा जो है ये ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को जो है माल्टोज के अंदर, और इसको जो है सिंपल कंपोनेंट के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, तो उसमें जो है हमें कोई कलर चेंज नहीं दिखाई देगा। जो टेस्ट ट्यूब भी है, नो कलर चेंज, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो सलाइवा होता है हमारे मुंह के अंदर, तो वो भी जो है डाइजेस्टिव रोल जो है प्ले करता है, उसके अंदर जो है एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम जो है स्टार्च को जो है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें सलाइवा के रोल के बारे में पता चला। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। अब जो है आगे है, बी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू दी सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। अब ये बात की गई कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स के फूड का यूज करते हैं जो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से जो है पास आउट होते हैं। तो मतलब चाहे हम चपाती खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, या कोई फ्रूट खा रहे हैं, या कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, तो वो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक है, माउथ के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, मुंह में हम उसको चबाएंगे, उसके बाद फिर वो जो है ओसोफेगस से होता है स्टोमक के अंदर जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग होगी बॉडी के अंदर हमारी। अब आगे बताया गया है इसके अंदर, नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। जब ये फूड जो होता है इसकी प्रोसेसिंग होती है, जो हम फूड खाते हैं फिर उसकी जो है प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस रहती है, तो प्रोसेसिंग होगी उसको स्मॉल साइज में तोड़ा जाएगा, तो ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है फूड की जो है ब्रेकडाउन। तो मुंह में हम उसको चबाते हैं तो उससे जो है वो स्मॉल पार्टिकल के अंदर टूट जाता है और सेम टेक्सचर जो है फूड का डिवेलप होता है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। तो ये सारी प्रोसेस जो है हम अपने टीथ के द्वारा करते हैं फूड को क्रश करके। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट,
जो लाइनिंग है इस कैनाल की, जो ट्यूब है ये, इसकी जो लाइनिंग है ये सॉफ्ट होती है। द फूड इज आल्सो बेटर टू मेक द पासेस स्मूथ। तो फूड को जो है बेट किया जाता है, मतलब उसको गीला कर देता है माउथ हमारा, और ताकि जो है जो पासेज है अंदर जो ओसोफेगस में से पास होना है उसने फूड ने, तो उस टाइम उसकी पासेज जो है स्मूथ हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, जो है ओसोफेगस में कोई रगड़ वगैरह ना लग जाए, तो इसलिए वो जो है बेट कर दिया जाता है माउथ के अंदर। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्ड। अब बात की गई है कि हम जब वी ईट समथिंग, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, वी लाइक, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, जब भी हमें कोई हमारी पसंद की चीज़ है जिसको हम खाना पसंद करते हैं, टेस्टी है, तो उससे हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर। तो ये जो है वाटर नहीं होता एक्चुअली में, बट ए फ्लूड कॉल्ड स्लाइवा सिक्रेटेड बाई दिस सलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो वाटर नहीं होता है, ये स्लाइवा होता है जो कि सिक्रेट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। एनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। और एक और जो एस्पेक्ट इसमें बताया गया है कि जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं, जो फूड हमने इंजेस्ट किया, तो वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है बहुत ज़्यादा। इट इज़ टू बी अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। अगर इसको हमारे एलिमेंट्री कैनाल ने जो है ऑब्जर्व करना है, यूज करना है, तो इसको जो है तोड़ना जरूरी है, ब्रोक डाउन करना जरूरी है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो इसको जो है किसके द्वारा किया जाता है, एंजाइम के द्वारा जो है किया जाता है। एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी बोला जाता है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम। तो एंजाइम इस फंक्शन को जो है परफॉर्म करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं इसकी। दिस स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज। तो जो स्लाइवा है वो कंटेन करता है एंजाइम जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का आ सकता है कि स्लाइवा जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, स्लाइवरी अमाइलेज। तो स्लाइवरी अमाइलेज होता है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है, और ये जो है स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट रहता है, और ये जो है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है स्टार्च की, जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करेगा स्लाइवरी अमाइलेज, तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है ये। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा कि स्लाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो हमारे स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये इसका रोल भी फूड की डाइजेशन में होता है, और ये क्या करता है, जो स्टार्च है उसकी ब्रेक डाउन करता है, विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। तो मतलब ये जो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है और उसको तोड़ेगा है शुगर के अंदर। तो मतलब स्लाइवरी अमाइलेज स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा शुगर्स के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। द फूड इज मिक्स्ड थॉरली विद स्लाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ। तो जो फूड है वो मिक्स होता है थॉरली विद स्लाइवा। तो जो हम फूड खाते हैं तो हम उसको मुंह में चबाते हैं, चबाने के दौरान ये मिक्स कर दिया जाता है स्लाइवा के साथ। तो फूड के अंदर स्लाइवा मिक्स कर दिया जाता है अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और जो मिक्स करने का काम रहता है वो रहता है किसका, टंग का। तो मतलब जब हम चबा रहे हैं फूड को और स्लाइवा जो मुंह के अंदर है तो वो मिक्स हो रहा है फूड के साथ, और उसको मिक्स करने का काम कौन करता है, ये टंग, जो मस्कुलर टंग हमारी है, जीभ है, तो उसका फंक्शन है कि वो मिक्स करेगी स्लाइवा और फूड को, जो क्रश किया हुआ फूड है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बस हमें स्टेप का पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर कौन से एंजाइम प्रेजेंट हैं। तो माउथ की बात हमने अभी की, तो माउथ में जो है जो हम क्रश करते हैं फूड को उसमें जो है स्लाइवा मिक्स हो जाता है, और स्लाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज, और ये स्लाइवरी अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना किसके अंदर, शुगर के अंदर, सिंपल शुगर के अंदर। और ये यहाँ तक इसकी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। और स्लाइवा का दूसरा फंक्शन भी, एक तो ये मिक्स करेगा फूड के साथ और इसमें स्लाइवरी अमाइलेज होता है उसकी ब्रेक डाउन करेगा, और दूसरा फंक्शन इसका है कि ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, बैट कर देता है फूड को, और ये जो स्मूथली जो है ये ओसोफेगस के थ्रू स्टोमिक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये था यहाँ तक जो है इसका फंक्शन, टंग के फंक्शन भी हमने कर लिए। तो ये मिक्स करने का काम करती है स्लाइवा और फूड को, जो क्रश्ड फूड है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो ये जरूरी होता है कि जो फूड है वो रेगुलेटेड मैनर में जो है मूव करे डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर। तो ये जो है एलिमेंट्री कैनाल को ही डाइजेस्टिव ट्यूब बोल दिया जाता है। तो मतलब ये डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर जो है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है, आसानी से मूव हो जाए, रेगुलेटेड मैनर में मूव हो जाए, दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो ये हरेक पार्ट में जो है प्रॉपरली जो है
प्रोसेस किया जाता है, तो प्रॉपरली प्रोसेसिंग होती है हर एक पार्ट के अंदर। माउथ के अंदर हो गया, इसका माउथ का पार्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये स्टोमक में जाएगा, वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग हुई, तो हर एक पार्ट में इसकी जो है प्रोसेसिंग कंटिन्यू रहती है। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स, तो जो लाइनिंग है कैनाल की उसमें जो है मसल्स पाए जाते हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो जो लाइनिंग होती है कैनाल की, अब उसकी बात कर रखी, जो ट्यूब है हमारी माउथ की, जो ट्यूब है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो लाइनिंग है तो वो मसल्स की बनी होती है, दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ताकि जो फूड है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फूड जो है आगे की तरफ फूड को धक्का लगेगा और ये फूड जो है स्टोमक तक पहुँचेगा और आगे वाले पार्ट्स तक जो है रिदमिकली जो है इसको फॉरवर्ड मूवमेंट होगी इस लाइनिंग के द्वारा। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अकर्स ऑल अलॉन्ग द गट, तो जितनी भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं ये पूरे गट के अंदर होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल को ही गट बोल दिया जाता है। तो मतलब ये पूरा जो हिस्सा है माउथ से लेके जो है ओसोफेगस, स्टोमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक, तो उसको जो है क्या बोला जाता है, गट नाम दे दिया जाता है। तो ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि गट क्या है। दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर अलॉन्ग ऑल अलॉन्ग द गट, तो ये पूरे गट के अंदर जो है चलती रहती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब इसको आगे की तरफ को धक्का जो है फूड को लगता रहता है, मतलब आगे को मूव होता रहता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में आगे इसके हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।